So children, our next chapter is from Geography, India, Size and its Location. So in this chapter, we will know about India, its size, its location, its neighbors. So just listen what is given there. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last five decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly. So India se is tarah se iska development hua hai. Aur ab hum janenge India ke size aur iske location ke bare mein ki kya India ka size, India ka location, Asia mein kya hai, hamare globe pe kya hai. There are four topics in the chapter: India's location, its size, India and the world, and its neighbors. So let us learn the location of India. It lies entirely in northern hemisphere between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. ये इसका लोकेशन लॉन्गिट्यूड्स के बेस में. इट इज़ डिवाइडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. हम आगे देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. इन साउथ ईस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड लाइन द बे ऑफ बंगाल. अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में जो सदर्न पार्ट है आपको देखिएगा, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ क्या है, अरेबियन सी, और बिल्कुल नीचे साउथ में क्या, इंडियन ओशियन. सो उन दोनों तीनों वाटर बॉडीज़ में भी हमारे पास आइलैंड है. साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान निकोबार विच इज़ इन बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड विच इज़ इन अरेबियन सी. सी द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोब. आप देखेंगे कि जो हमारे ये इंडिया है ये बीच में जाता है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है ये, और इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया से गुजर रहा है, पास हो रहा है. सो एट स्टेट्स हैं जो इंडिया के हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ज़मीन का कितना हिस्सा हमारे इंडिया में है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास. सेवन नंबर पर हमारी कंट्री है. इट हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन, मतलब जो साउथ के जो पूरे कोस्टल रीजन है जो टच करते हैं वाटर बॉडी को, वो कितने हैं, 15,200 किलोमीटर. एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर. इतना एक्सपेंशन है इसका. इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड इट. सो आप अगर नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ हमारे पास माउंटेन्स है जिसको हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन जो हमारे हिमालयाज है. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज. आप देखेंगे साउथ में नीचे से आएंगे तो इंडिया क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, जो पेनिनसुलर रीजन बनाता है. इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड्स टूवर्ड द इंडियन ओशियन. इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इंटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. सो इस तरह से अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो साउथ में आके थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, जो इंडियन ओशन को डिवाइड कर देता है. इसके जो लेफ्ट साइड है वो हो जाता है बे ऑफ बंगाल, जो राइट साइड है वो क्या होता है, अरेबियन सी. सी द मैप ऑफ इंडिया. सो इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड लेटिट्यूडनल एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो एक्सपेंशन आप देखेंगे कैसे इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है. ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है. क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से, किस स्टेट से पास होता है. सो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से, मिर्ज़ापुर से. सो लेट अस नो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री. लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का. आप देखेंगे यहाँ से ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये है ईस्ट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट. अगर हम माइनस करें तो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है,
30 डिग्री का ऑलमोस्ट, और हर एक डिग्री कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। दैट मींस 30 × 4 कितना हो गया, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। इसलिए 2 आवर्स लगता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात सनराइज सनसेट होने में। सो इंडियाज ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द साउथ एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। सो जो ईस्ट और वेस्ट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में कम है डिफरेंस। द टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82° 30' ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। सो इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए, जो मेरे हमारे यहाँ जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो हम किसके बेस पे देखते हैं, फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कहाँ से पास हो रहा है, मिर्ज़ापुर इन यूपी। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज़ अबाउट 2 आवर्स। आपको जैसे मैंने बताया था, सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है, गुजरात, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो कितना है, वो है 30 डिग्री, और हर एक डिग्री कितने मिनट का डिफरेंस बताता है, 4 मिनट्स का। सो 30 × 4 हो गया 120 मिनट्स, मतलब कितना आवर, 2 आवर्स। सो इसीलिए देखिए 2 आवर्स का डिफरेंस है कहाँ से कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लैटिट्यूडनल डिफरेंस ही एक्सटेंट क्या बताता है, डे और नाइट के डिफरेंस जो होते हैं। मिर्ज़ापुर एट द स्टैंडर्ड टाइम इट इज़ अ मिर्ज़ा इन मिर्ज़ापुर इन जॉन इन यूपी। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सो इंडिया का हम लोकेशन पढ़ रहे हैं, इंडिया और वर्ल्ड की जो एक लोकेशन है। सो इंडिया लाइज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक लोकेशन टू इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए, स्ट्रेटजिक लोकेशन। सो इंडिया का ऐसा लोकेशन है जो सेंटर पे है वर्ल्ड के, जिससे ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया ये क्या है, ये से कनेक्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ जो रूट्स हैं जो इंडियन ओशन जो कनेक्ट करते हैं बाकी के यूरोप कंट्रीज़ को, वो किस तरह से कनेक्ट कर रहा है वेस्ट और ईस्ट में। इसी बेस पर क्या होता है कि हमारे यहाँ से जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, आज से नहीं, बहुत साल पहले से हमारे यहाँ से बिज़नेस हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। द डेकन पेनिनसुला, डेकन पेनिनसुला साउथ में है। इट हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। सो इस तरह से रिलेशन बना हुआ हमारे इंडिया का विद अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन एज नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी वाटर बॉडी है, एक ऐसा ओशियन है जिसकी ज़्यादातर जो बाउंड्री टच हो रही है वो इंडिया से हो रही है। सो इंडिया हम कह सकते हैं इंडिया ऐसी कंट्री है जिसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो टच कर रहा है किससे, ओशियन से। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन ओशियन रखा गया। ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और सबसे 7 नंबर पे कौन है, इंडिया है। सो बाकी जो रिलेशन है, द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन द सी रूट। मतलब ये इसमें इंडिकेशन है कि जो सी रूट बना है, जो इंडियन ओशन से लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्री जा रहे हैं, उससे भी पुराना कौन सा रूट है, लैंड रूट है। आप देखेंगे नॉर्थ में जो हमारे पास माउंटेन्स है, लोग वहाँ से पहले हमारी कंट्रीज में आते थे। सो नॉर्दर्न जो हम कह सकते हैं लैंड रूट जो है वो काफ़ी पुराना है एज़ कम्पेयर टू सी रूट, पहले लोग वहाँ से आते थे हमारी कंट्री में। लैंड रूट्स हेल्प्ड इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें बाहर कंट्री में गई हैं वो सी रूट से पहले किसके थ्रू गई हैं, लैंड रूट के थ्रू गई हैं। इंडिया हैव प्रोपोगेटेड द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम्स, एज वेल एज गिवन स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। हमारे यहाँ कंट्री से दूसरी कंट्री में काफ़ी सारे सामान एक्सपोर्ट हुए हैं, जिसमें उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से लोगों ने अपनी कंट्री ले गए हैं थ्रू लैंड रूट। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनार फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमारे यहाँ जो चीज़ें लोग लेके आए हैं ग्रीक से, जैसे जो गुंबद बनता है, गुंबद की स्टाइल, मीनार की स्टाइल, और अलग तरीके का आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइंस था वो हमारी कंट्री में आया है फ्रॉम द वेस्ट एशिया, ये हमारे इंडिया में दिखता है। जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ भी लोग लैंड रूट से आते रहे हैं पहले से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में।